हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर मयूर सायता, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केस कंट्रोल स्टडी के बारे में। ये एक एनालिटिकल स्टडी है। इसके अंदर दो ग्रुप्स लिए जाते हैं, एक होता है केसेस का ग्रुप, दूसरा होता है कंट्रोल्स का ग्रुप। और इन दोनों ग्रुप के अंदर जो भी फैक्टर उस डिजीज़ के लिए एसोसिएटेड जो भी है उसको हमें प्रूव करना है, तो उस रिस्क फैक्टर दोनों ग्रुप्स के अंदर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमको करना होगा कि यहाँ पे हम ले लेंगे डिजीज़, और डिजीज़ के अंदर डिजीज़ प्रेजेंट जो कि हमारे केसेस है, और डिजीज़ एब्सेंट जो कि हमारे कंट्रोल्स है। और इस साइड में हम ले लेंगे रिस्क फैक्टर्स जो भी पॉजिटिव है, या तो फिर रिस्क प्रेजेंट रिस्क फैक्टर जो है वो एब्सेंट है। इसको समझने के लिए हम फेमस एग्जांपल लेंगे स्मोकिंग एंड लंग कैंसर का। अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास 100 लंग कैंसर के केसेस है, ऑलरेडी हमने केसेस जो है जिनको लंग कैंसर हो चुका है ऐसे ही हमारी स्टडी के अंदर हमने लिए हैं। अब उन सबको हम अगर हम पूछें कि भाई आपके अंदर स्मोकिंग प्रेजेंट है या नहीं है, कितने टाइम तक हुआ, तो वो सारा मिला के अगर उसमें से हमको पता चले कि स्मोकिंग जो है उनके अंदर 80 लोगों के अंदर प्रेजेंट था और 20 लोग ऐसे थे कि जो स्मोकिंग नहीं करते थे फिर भी उनको लंग कैंसर हुआ, तो उसको टेबल के अंदर इस तरीके से हम उसको रख देंगे। दूसरे हम लेंगे उसके कंट्रोल, वो भी मोस्टली हम जितने केसेस होते हैं उतने या तो फिर उससे डबल, उससे 4 गुना से ज़्यादा कंट्रोल लेने का कोई मतलब रहता नहीं है। और उनको हमने 100 लोगों को पूछा कि भाई आप लोगों में कितने लोग स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो उनमें अगर हमको पता चला कि 40 लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग करते हैं और उनको लंग कैंसर नहीं है, और 60 लोग ऐसे हैं जिनको डिजीज़ भी नहीं है और रिस्क फैक्टर्स भी नहीं है। इसको सिंपलेस्ट तरीके से समझने के लिए, इक्वेशन लगाने के लिए, मैं यहाँ पे ये जो 80 है उसको एज अ फॉर्म ऑफ ए, इसको एज अ फॉर्म ऑफ बी, इसको एज अ फॉर्म ऑफ सी, एंड इसको एज अ फॉर्म ऑफ डी अगर मैं ले लेता हूँ, तो क्या हम इसके अंदर इंसिडेंस रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने पहले से ही दो ग्रुप्स सिलेक्ट किए हैं, तो उसके अंदर जो है इंसिडेंस निकाला नहीं जा सकता। तो इसके अंदर हम क्या निकाल सकते हैं? तो इसके अंदर जो है हम एक्सपोजर रेट्स निकाल सकते हैं, मतलब रिस्क फैक्टर्स का एक्सपोजर रेट कितना है। तो रिस्क फैक्टर एक्सपोजर रेट्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो हमसे सबसे पहले निकालेंगे एक्सपोजर रेट अमोंग द केसेस। तो अगर एक्सपोजर रेट अमोंग द केसेस हमको लेना है तो क्या करना होगा कि भाई ये जो रिस्क फैक्टर जो है वो 80 लोगों में प्रेजेंट है और कितने टोटल है हमारे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो एक्सपोजर रेट जो है वो आ जाएगा 80%, मतलब कि लंग कैंसर के केसेस के अंदर 80% लोग है जो कि स्मोकिंग करते थे। दूसरा हम निकालेंगे कि यही रिस्क फैक्टर जो है उसका एक्सपोजर रेट अमोंग द कंट्रोल्स कितना है, जो भी हमारे कंट्रोल्स है उसमें भी कितना ये रिस्क फैक्टर्स है। तो उसमें अगर 40 लोग स्मोकिंग कर रहे हैं 100 में से, तो वो आ जाएगा 40%, मतलब कि जिनमें लंग कैंसर है उनमें हमारा रिस्क फैक्टर स्मोकिंग 80%, और जो नहीं है हमारे कंट्रोल उसके अंदर भी स्मोकिंग का परसेंटेज जो है वो 40%। इससे तो कोई ज़्यादा निकल के कुछ आएगा नहीं। अगर आपको कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, या तो मैं बोलूँ कि अगर हमें इसके अंदर से एक इंटरप्रिटेशन निकालना है तो हमें एक रेशियो निकालना होगा। कौन सा रेशियो? तो इसके अंदर अब ये एक सिंपलेस्ट तरीका है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि क्रॉस गुणाकार, या तो फिर हम उसको बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अंदर हम क्या कर लेंगे कि भाई ए डी अपॉन बी सी, मतलब ये 60 मल्टीप्लाइड बाय ए सी, 80 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 20, इसको अगर आप करोगे तो अराउंड वो निकल के आ जाएगा 6। तो ओड्स रेशियो इसमें से निकल के आ जाएगा 6। मैथमेटिकली तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया कि भाई आता है कि इसके अंदर 6। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन सिंपली ये निकल के आता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हो
तो जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उससे आपको लंग कैंसर होने के चांसेस 6 गुना ज़्यादा है, 6 times मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर देन दोज हु आर नॉट स्मोकिंग। केस कंट्रोल स्टडी के अंदर अगर ऑड्स रेशियो जो है ग्रेटर देन 1 आता है, उसका मतलब होता है कि वो फैक्टर जो है वो डिजीज से साथ एसोसिएटेड है, उस डिजीज का वो एक रिस्क फैक्टर है। अगर ऑड्स रेशियो इक्वल टू 1 आता है, उसका मतलब होता है कि वो फैक्टर एंड वो डिजीज के साथ कोई भी तरीके का रिलेशनशिप नहीं है। एंड अगर ऑड्स रेशियो लेस देन 1 आता है, उसका मतलब होता है कि वो फैक्टर एक्चुअली रिस्क फैक्टर नहीं मगर प्रोटेक्टिव फैक्टर है। जैसे कि कोई वैक्सीन और डिजीज़ का इस तरीके से हम केस कंट्रोल स्टडी करेंगे तो वो ऑड्स रेशियो उसके अंदर लेस देन 1 आएगा, मतलब कि वो वैक्सीन जो है वो डिजीज़ को प्रोटेक्ट करती है। ये स्टडी करने के डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? तो डिसएडवांटेजेस इसमें सबसे बड़ा है रिकॉल बायस, कि हमारी स्टडी जो है हमारे केसेस एंड कंट्रोल्स की मेमोरी के ऊपर बेस्ड हो जाती है। और दूसरा होता है सिलेक्शन बायस, आप ऐसे कंट्रोल्स ही सिलेक्ट कर लो कि जिसके अंदर वो ऑलरेडी रिस्क फैक्टर कम है, तो ये स्टडी पूरी बायस्ड हो जाएगी। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसके अंदर ये है कि रेयर डिजीज़ के अंदर भी ये स्टडी की जा सकती है, बहुत ही सस्ती पड़ती है ये स्टडी, इनएक्सपेंसिव है, इसके अंदर इथिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत नहीं आते हैं, एज वेल एज कोई भी आउटब्रेक हुआ है और उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसका हाइपोथेसिस हमें बिल्डअप करना है, तो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स को लेके हम केस कंट्रोल स्टडी कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर ये है कि हम दो फैक्टर्स के, जो भी फैक्टर की स्टडी करते हैं उसका जो दूसरा फैक्टर है उसको हम नलीफाई करके ऑड्स रेशियो जो है वो निकालते हैं, दूसरी तरीके के भी ऑड्स रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा एंड ऑफ द वीडियो, आशा करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, थैंक यू, गुड बाय।